हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस्लाम और खुदावन के जलाली कुदरत मुबारक और फतेह मन नाम में आप सबकी सलामती हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन जलफ्रेजी। तो पहले हम डालेंगे ऑयल, ऑयल डालेंगे। तो ये मैंने रखा होगा चिकन जलफ्रेजी, मतलब एक आधा घंटे से ऊपर हो गया, इसको मैंने मसाला मसाला लगा के रखा हुआ है। और ये मैंने काट के रखी हुई है शिमला मिर्ची और प्याज, हमने जो है वो कट करके रखा हुआ है। ऐसे बड़े पीसेस आपने कट करने, और ये भी बड़े पीस ही होने चाहिए। शिमला मिर्ची और प्याज के जो है वो स्लाइसेस सेम होने चाहिए। और ये चिकन है जो वो हमने मैरिनेट करके रखी है, जिसके ऊपर हमने लगाया है चिकन जेल फ्रेजी मसाला, लगाया रहा है एक घंटा पहले। ऊपर रखना चाहिए मसाला लगा के। हाँ, तो अगर जितनी देर तक आप रखेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर लगा के रखते हैं। और जो चिकन जेल फ्रेजी मसाला हमने इस पे लगाया है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और रम्मी, अभी आप नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी इसको फ्राई करूंगी, ये सूप की। अभी चिकन को हम लोग फ्राई करेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए तेल अभी तक गर्म नहीं हुआ। नहीं, वो कोई मसला नहीं होता रहेगा। अच्छा, सही। तो इसको, चिकन को हमने मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे तक रखा था। और मैरिनेट किसके साथ किया है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और इसको आपने गर्म तेल में डाल के आई गैस के फ्राई करना है। ये केचप में बनता है, बहुत मज़ा आता है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ये हम लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाते थे, अभी मलेशिया आने के बाद हम लोग ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं मलेशिया में। ये ब्राउन हो जाएगी फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। हाय गाइस, वेलकम बैक। और ये रहा हमारा मसाला चिकन जेल फ्रेजी, जो कि पाकिस्तान से इजीली मिल जाता है। और जो लोग मलेशिया में हैं तो ये मसाले का पैकेट जो है हमने खान फूड से लिया था, वहां से हर किस्म के मसाले जो है पाकिस्तानी, और भी जो आपको चाहिए होता है पाकिस्तानी, सारी चीज़ें वहां पे मिल जाती हैं। तो ये हम लोगों ने खान फूड से लिया था। तो इसके साथ हमने चिकन मैरिनेट जो है वो करके रखी हुई थी। चिकन हमारी अभी जो है वो फ्राई हो रही है। तो अपनी चिकन पे हमने आधा घंटा पहले ये मसाला लगा के रख दिया था, बस यही लगाया था और कुछ नहीं लगाया था। जी, तो जितनी देर तक मसाला आप लगाना चाहते हैं उतना टेस्ट ज़्यादा होगा। हमने आधा घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रखा था। और अभी जो है अम्मी ने बीच में डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट ना, लहसुन अदरक का पेस्ट मम्मा ने जो है बीच में डाला है। और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रही हैं। तो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थोड़ा फ्राई हो जाए, फिर आपको नेक्स्ट दिखाएंगे कि क्या करने। सी यू गाइज। सो गाइज, अभी जो हम ये इसमें ऐड करने जा रहे हैं टोमेटो सॉस, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने प्लेन लेनी है, कोई फ्लेवर वाला नहीं लेना आपने। और वो ये है टोमेटो सॉस हमने ली है, और दो बोटल्स हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फिर आगे और क्या जाएगा। तेल छोड़ती है इसने। जी, इसने तो जब ये तेल ऊपर आ जाएगा ना आपका, तो फिर आपने केचप ऐड कर देनी है इसमें। अभी थोड़ा सा है, थोड़ा सा और हम इसे फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये केचप। ये टोमेटो सॉस को हमने बॉल में निकाल के रख लिया है। तो मम्मा कह रही है कि थोड़ी देर और इसको लगेगी फ्राई होने में। और ये अभी मैं डालूंगी ये कल तक का। ये वैसे डालते तो नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। तो मैं दाल में तड़का लगाती हूँ तो यही डालती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये हम लोग फ्रेश तोड़ के लाए, हमारी बैल्कनी में बहुत सारे लगे हुए, ये बिल्कुल फ्रेश है करी पत्ता। और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है खाने में, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। अभी भी मम्मा ने डाला ये तो पूरे क्या कहते हैं पूरी हांडी में से खुशबू आने लग गई। और अभी हम इसमें ऐड कर दिए केचप, जो कि टू बोटल से हमारे चिकन जो है वो, मम्मा कितने केजी थी? दो से ऊपर थी, 2 किलो से ऊपर थी, इसलिए हमने 2 बोटल्स ऐड की हैं। तो आप लोग जो है जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं आप उतना ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में
ये भी अभी डाल दें। ओके, ये डालेंगे शिमला मिर्च और ये प्याज अनियन वगैरह। ओके, अभी जो मम्मा ने ये वो प्याज और शिमला मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी है। तो ये हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए कि ये खाली प्याज और शिमला मिर्च जो है वो नरम हो जाए। तो जब ये नरम हो जाएगा 5 मिनट के बाद तो ये सालन तैयार है। तो हम लोग इसको खाते हैं, वो मटर वाले चावल होते हैं ना, मटर वाले साथ चावल बनाते हैं और उसके साथ ये बहुत मजा करता है सालन। तो गाइस अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि प्याज और जो शिमला मिर्ची हमने इसके अंदर डाली है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। बड़े मज़ेदार से खुशबू आ रही है। आप लोग भी लाजमी हमें बताना कमेंट करके आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट गाइस। अभी ये 10 मिनट रहेगा, 10 मिनट के बाद फिर ये जब शिमला मिर्च प्याज हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस ये रहा हमारा फाइनल लुक। हमने 10 मिनट के बाद जो है वो 10 मिनट तक इसको पकने दिया है और उसके बाद जो लुक आ रहा है वो आप देख सकते हैं कितना मजेदार सा लग रहा है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। मिर्ची भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है अब और जो हमने प्याज डाला था वो भी सॉफ्ट हो गया है। और अभी हम इसके साथ बनाएंगे मटर वाले राइस और उसके साथ हम ये खाएंगे। सो गाइस हमें लाजमी बताना आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ताकि हम और भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। और गाइस ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा सा लुक आ रहा है और ज़्यादातर जो है इसमें बोनलेस चिकन जाती है। अगर आपके पास बोनलेस चिकन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बोन्स के साथ डाली है क्योंकि बोनलेस चिकन हमें मिली नहीं थी तो इसलिए हमने इसी वाली चिकन में बना ली है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली चिकन यूज़ करना चाहते हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो और आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी लाजमी हमें बताना। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ या किसी और अच्छी सी स्टोरी के साथ। बाय।